नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मखदूम का दावा, मखदूम का दावा। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एक सिर्फ नीचे रहे, नीचे रहे, सिर्फ चार पांच आदमी रहे तो ज्यादा, हाँ बस ही पांच आदमी, सिर्फ 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 सिर्फ, हाँ आप लोग बस नीचे रहे, नीचे डिस्टेंस बनाए रहे, डिस्टेंस बनाए रहे। हाँ आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अब उम्र का भी ख्याल रखिए कि, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो है आप हजरात के साहिब सज्जादा, ये जो टोपी है, ये टोपी, ये कुलाह, ये हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी, यानी बिहार, जैसे बिहार से में आप तशरीफ़ ले गए थे दिल्ली से बिहार, और वहाँ हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और वो टोपी आपने नज़र किया, इनायत किया था, बुख्चा, ये छड़ी जो हाथ में है ये आज की नहीं है, 600 साल पुरानी है। ये मखदूम पाक अलैहि रहमा अपने साथ सिमनान से, यानी ईरान से लेके आए थे, ये आज भी है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा ज्यारत करते रहे। और ये पटका है, और ये तस्बीह गले में है, पहले चमड़े की तस्बीह चलती थी, मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला ले के मुर्शिद ने, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, थोड़ा सा दूरी अख्तियार करें, और आप साहिब सज्जादा हजरत मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ मोतवली और सज्जादा नशीन आस्तान आलिया दुआ फरमाएंगे, और आप लोग आमीन कहिएगा, और इस फिरके मुबारक के तुफैल में इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल होंगी। आमीन। आप इसको दोनों माइक पकड़िए, हम पकड़े, आप बोलिए, आप मांगे, थोड़ा आगे कर दिए माइक। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدار مولا تو خالق کائنات ہے مولا تو سب کچھ ہے تو قہار بھی ہے جبار بھی ہے ستار بھی ہے علیم بھی ہے خبیر بھی ہے اے اللہ آج محرم الحرام کی 28 تاریخ ہے اور آج سے 600 سال قبل آج ہی کی تاریخ میں مخدوم صاحب نے وصال فرمایا تھا اے اللہ آج ہم یہ تیری دی ہوئی زندگی ہے یہ تیرا احسان عظیم ہے یہ تیرا کرم ہے یہ تیری رہنمائی ہے یہ تیری پشت پناہی ہے کہ آج ہم اس لائق ہیں کہ آپ مخدوم سمنا کے آستانے پر کھڑے ہوئے تیری بارگاہ میں رجوع ہیں اے اللہ تمام مریدین معتقدین متوسلین حاضرین پر اپنا کرم فرما دے آمین وہ جو بھی ہو جہاز کا بھی رہنے والا ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودھسٹ ہو جو بھی ہے اے اللہ تو سب پر اپنا کرم فرما دے آمین اور سب سے بڑا کرم اس موذی مرض سے جس نے پورے دنیا میں کوہرام مچا دیا لوگوں کی نیند اڑ چکی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں لوگوں کا چلنا پھرنا آنا جانا سب دوبھر ہے آج بھی ہم لوگ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس بیماری نے اتنا زیادہ کوہرام مچا دیا ہے اے اللہ اس بیماری یعنی کرونا کی بیماری سے محفوظ فرما دے اے اللہ اس کے قہر سے محفوظ فرما دے اے اللہ اس طرح سے جو لوگ پریشان ہیں اس بیماری سے انہیں تو نجات دلا دے اے اللہ جو بیمار آئے
उनकी शफा के लिए तेरी बारगाह में मैं रुजू हूँ दुआ के लिए, तू उन पर करम फरमा दे। जो बे औलाद के औलाद के लिए जो आए उनके लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह तू उन्हें साहिब औलाद बना दे। जिनके पास रोज़ी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, अल्लाह उन्हें आसूदा फरमा दे। और जो बीमार हैं उन्हें रूबा सेहत कर दे, उन्हें सेहत अता फरमा दे। जो जिनकी बच्चियां नाकद खदा हैं अल्लाह आज मखतूम समना के उर्स के मौके पर उन्हें जो है कोई माकूल रिश्ता मिल जाए। अल्लाह तू सब पर करम फरमा दे। हुजूर मखतूम समनानी ये आपकी छड़ी है जो अपनी ज़िंदगी में आप लेके चला करते थे, आज फ़कीर के हाथ में है। फ़कीर इस छड़ी के वसीले से, इस टोपी के वसीले से, इस कपड़े के वसीले से जो आप पहना करते थे, ये टोपी आप लगाया करते थे, ये जो है तस्बीह आप इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उस दौर में चमड़े की चलती थी तो आपकी ये तस्बीह चमड़े की है और 634 साल पुरानी तस्बीह है। ये टोपी है, ये छड़ी है, ये कपड़ा है जिसे आप पहन के चला करते थे। तो जो कपड़ा आपके बदन पर चढ़ चुका है उसको क्या कहना, ये गौस की टोपी है, ये गौस की छड़ी है, ये गौस का कपड़ा है। हम इस कपड़े के वसीले से इस वक्त दुआ के लिए हुजूर दुआ फरमा दें। तमाम मुरीदीन, मोतकदीन, मुतवसलीन, हाजरीन, जो लोग नहीं आ सकते हैं या जो लोग नहीं आए उनके लिए भी मेरी दुआ है कि जहां भी रहें सलामत रहें, जहां भी रहें अमन के साथ रहें, जहां रहें आसूदा रहें, जहां रहें बीमारियों से महफूज रहें। हुजूर आप दुआ फरमा दें। आज आप मैंने कितने लोगों से कह रखा था कि आप 28 को आना, मैं दुआ करूंगा, अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर दुआ कबूल होगी। अद दुआओ मुखुल इबादत, अद दुआओ हुवल इबादत। आज दुआ के लिए हम तमाम मुरीदीन के अलावा तमाम हाजरीन के लिए, देश के तमाम आए हुए लोगों के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, सेहत के लिए, कोरोना से महफूज रहने के लिए हम दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। आप दुआ फरमा दें। मेरा यकीन कामिल है जिसके आस्ताने से रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है, बीमार आता है, खड़ा होके जाता है, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है, खाली आता है, दामन को भर के जाता है। यह आपका फैजान है, यह आपका करम है, यह आपकी विलायत है, ये वलायत है जिससे जो भी मांगता है अल्लाह उसे अता करता है, क्योंकि गैब गौस की वसीले से जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। वो कहता है कि ये दुआ इसने मेरे दोस्त के ज़रिए मांगी है, यानी मेरे गौस के ज़रिए मांगी है, जाओ मैं इसे पूरा करता हूँ। ऐ अल्लाह के वली, ऐ हुजूर मखतूम समनानी, इन तमाम लोगों के लिए सेहत आफियत दारैन और दर्जात के लिए दुआ फरमा दे। ये छड़ी गवाह है, ये टोपी गवाह है, ये कपड़ा गवाह है, ये तस्बीह गवाह है कि आज हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका फैजान होगा, लोगों की दुआएं पूरी होंगी, लोग जिस मकसद के लिए आए, जायज़ मकसद के लिए जो आए हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर। ऐ अशरफ़ ज़माना, ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरा ज़कलीद करम कुशा, अशरफ़ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाजी करे तू दोस्त दारद। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वो सलामुन अलल मुरसलीन। हज़रत साहब रास्ता दे दें, थोड़ा सा आप हजरात इस बात का फिर ख्याल रखें, थोड़ा सा दूरी अख्तियार किए रहें, थोड़ा सा बड़े अदब व एहतराम के साथ। अब साहिब सज्जादा वापस जाएंगे, अभी इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो पर साल इस फ़िरक़े मुबारक की आप ज़ियारत करेंगे। एक साल बाद ये एक प्रोग्राम जो होता है, अब एक साल बाद आप हजरात नारे तकबीर, बहुत आराम
बेचारे नहीं तो परेशान है। आजम आजम भाई पढ़ने वाले कहाँ गए? आजम भाई